नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी स्पोर्ट्स और मैं हूं ऋषिकेश। 26 जुलाई से पेरिस ओलंपिक की शुरुआत होगी। इसके खत्म होने के बाद फिर शुरू होगा पेरिस पैरा ओलंपिक। इसकी शुरुआत 28 अगस्त से होगी। 2021 में टोक्यो में हुए पैरा ओलंपिक में भारत ने कमाल का प्रदर्शन किया था। भारतीय एथलीट्स ने इस ओलंपिक में कुल 19 मेडल जीते थे। इसमें एक मेडल हाई जंप में निषाद कुमार ने भी अपने नाम किया था। उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। उसके बाद एशियन पैरा गेम्स में भी निषाद ने गोल्ड मेडल जीता। अब पेरिस में होने वाले ओलंपिक में निषाद का पूरा फोकस गोल्ड मेडल जीतने पर है। ओलंपिक से पहले निषाद ने नवभारत टाइम्स से बात की और अपनी तैयारियों के बारे में बताया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कैसे बचपन में एक हाथ कटने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और लड़ना जारी रखा। निषाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ओलंपिक में मेडल जीतने के बाद मुलाकात की थी। उन्होंने इसका अनुभव भी शेयर किया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि निषाद ने एनबीटी स्पोर्ट्स से क्या बात की। तो पहला सवाल तो मेरा सिंपल यही रहेगा कि पेरिस ओलंपिक की तैयारी कैसी है, क्योंकि अभी आप पेरिस ओलंपिक में उतरेंगे, 2-3 महीने बाद पेरिस ओलंपिक है, तो उसकी तैयारी कैसी है? जी, बहुत अच्छी तैयारी उसकी और पहले से काफी अच्छी ट्रेनिंग चल रही है। जी जी जी। और इसके अलावा जैसे ओलंपिक होगा तो ओलंपिक से पहले भी आप किन किन इवेंट में हिस्सा लेंगे ओलंपिक की तैयारियों को जांचने पर रखने के लिए? कोशिश कर रहे हैं कि ओलंपिक को ही देखें जाके। अच्छा, और अपने अपने जी, तो अभी मेरा एक इवेंट है वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि जापान में रहने वाला है। तो जब आपने ओलंपिक जीता था, ओलंपिक में मेडल जीता था, जब आपको सिल्वर मेडल आया था, तो आपकी मुलाकात पीएम नरेंद्र मोदी से भी हुई थी, तो क्या बात हुई थी उससे, पीएम ने आपसे क्या कहा था? उस टाइम सर ने तो नहीं कहा था, सर ने भी कहा था मैंने भी कहा था कि सर का मैंने धन्यवाद किया, जो गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है टॉप स्कीम, तो उसको लेकर, क्योंकि मैं 2019 से गवर्नमेंट की स्कीम में, तो उसका बहुत बेनिफिट मिला मेरे को और अभी भी गवर्नमेंट की स्कीम में तो उसका बहुत बेनिफिट मिल रहा है। तो सर ने वही आशीर्वाद दिया था और विश्वास दिलाया था कि आने वाले समय में हम और खेलों को अच्छा करेंगे भारत में। जी जी जी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि छोटी उम्र में आपके साथ घटना घटी, आपका हाथ चला गया, लेकिन उसके बाद जो स्ट्रगल होता है उससे आप कैसे निकले और यहाँ तक कैसे पहुंचे कि भारत के लिए आज मेडल जीत रहे हैं? जो हाथ मेरा उस टाइम में कटा, जिस टाइम मैं मतलब थोड़ा शरारती था, पता नहीं था इतना कि हाथ कटा है क्या हुआ है, तो वो कुछ टाइम के लिए नॉर्मल चल रहा था सब कुछ। धीरे धीरे जैसे एज बढ़ती गई, धीरे धीरे थोड़ा पता चलता गया कि यार हाथ नहीं है। मैं उस टाइम, क्योंकि हमारे उधर क्या है कि आर्मी का क्रेज है, प्लस टू होते ही भर्ती होना है या फिर दसवीं पास आउट होते भर्ती की तैयारी करनी है, भर्ती के ट्रायल देने हैं, तो ऐसा मेंटल लेवल था उस टाइम भी। और जिस टाइम हमारे उधर बहुत सारे फौजी हैं, तो उनसे धीरे धीरे पता चला कि तुम भर्ती नहीं हो सकते और क्योंकि तुम्हारा हाथ नहीं है, फिजिकल फिट मांगते हैं भर्ती में। तो उन्होंने ये भी बताया कि हमारे जो फौज में हैंडीकैप फौजी भी हैं, बट वो कैसे हुए, क्यों कैसे आए हैं फौज में, वो फौज से ही फिजिकल हुए हैं, वो फौजी हैं वो, क्योंकि फौज में पूरा फिट मांगते हैं फिजिकल। तो फौज का सपना था एक कि फौजी बनना है, तो वहां से स्पोर्ट्स तो मैं करता ही था, क्योंकि जो रनिंग की ट्रेनिंग थी तो मैं फौजी भर्ती वालों के साथ ही करता था। जी, तो उसका फायदा, मतलब कुल मिलाकर उसका फायदा मिल गया आपको, आपने फौज में वहां आप देश की सेवा करते और यहाँ भी आप देश के लिए मेडल जीत रहे हैं, तो वो कम गर्व की बात जी, नहीं है? बिल्कुल। यदि मैं स्पोर्ट्स में नहीं होता तो एक फौजी होता मैं, वो मेरे लिए बहुत प्राउड की बात होती वो भी। तो ये भी कम प्राउड की बात नहीं है, आप देश के लिए मेडल जीत रहे हैं, मतलब आप गिने चुने लोगों में से जिन्होंने देश के लिए मेडल जीता है। जी बिल्कुल, ये तो भगवान ने सोच रखा था कि हाथ कटेगा मैं खिलाड़ी बनूंगा, कि मैं कहा हमारे उधर स्पोर्ट्स का इतना क्रेज का है। जी, तो
तो कैसे स्पोर्ट्स तरफ आप कैसे गए, क्या आप रनिंग कर रहे थे, फिर आपके जीवन में हाई जंप कैसे आया? क्योंकि रनिंग करते हैं बच्चे जो शुरुआत में काफी खेल खेलते हैं, रनिंग हो गया, लेकिन आपने ये कैसे डिसाइड किया कि हाई जंप में ही जाना है? जी उस टाइम स्कूल में, हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स का काफी क्रेज था जब हम छोटे थे, तो स्कूल में जो हमारा स्कूल काफी माना इलाके में काफी डंका बजता था, मतलब स्पोर्ट्स का जब खेलने जाते थे खिलाड़ी तो पूरी बस भर के जाती थी, उसको बस की छत के ऊपर बैग पूरे बंद कर, और कुछ खिलाड़ी छत के ऊपर बैठ कर जाते थे, बस पूरे अंदर से भरी हुई, तो पूरा जैसे एकदम रुक्का मारते हुए जाते थे। तो वो हम देखते थे जब स्कूल में आ रहे एकदम, मतलब हुला हाला करते जा रहे हैं, इनके जब जा रहे हैं, इनको ज्योति इनकी पूजा हो रही, जब आ रहे हैं फिर भी पूजा हो रही है, और माला बना रहे हैं इनको स्कूल वाले, जब प्रेयर होती है इनका आगे बुलाते हैं प्रिंसिपल साहब, और इनको गले में मेडल पहनाते हैं फिर से। तो वो बहुत मतलब एक ना मोटिवेशन था हमारे लिए, हम छोटे थे जब, तो वहां से सोचा था नहीं यार हम, मुझे भी स्पोर्ट्स करना है ना, मुझे भी इसमें नाम लिखवाना अपना, तो देखते हैं अपना भी क्या रहता है। तो शरारती थे उस टाइम, भागने दौड़ने में तेज थे, जब भी सीख लिया सर पीटीआई सर से, जब इतनी फैसिलिटी नहीं थी, बट वो सिखाते वो तरीके से थे, मार्कर भी सिखाते थे वैसे भी सिखाते थे प्यार से तो वो तरीके दोनों पसंद थे अपने को। तो वहां से हाई जंप भी सीखा, लॉन्ग जंप भी सीखा, ट्रिपल जंप भी सीखा, रनिंग भी की। तो धीरे धीरे चलते चलते रनिंग में कंपटीशन ज्यादा था, हाई जंप में मेरी हाइट ज्यादा थी, तो हाई जंप में ज्यादा फोकस किया मैंने। ट्रेनिंग तीन चार टाइम ट्रेनिंग करता था मैं सुबह जाकर, जो दूसरा स्कूल था गवर्नमेंट स्कूल, तो सुबह जाकर वहां ट्रेनिंग करता था, फिर दोपहर के टाइम ट्रेनिंग करता था, शाम को फिर घर में आकर गांव में ट्रेनिंग करता था। तो ऐसे फिर हाई जंप करते करते हाई जंप में ज्यादा इंटरेस्ट आ गया। रनिंग उस टाइम भी करता था बट मेडल में हाई जंप में जीतता था। जी जी, और जैसे आपके साथ घटना हुई और फिर यहाँ तक आप पहुंचे, इसमें परिवार का आपका क्या रोल था, परिवार ने किस तरह से इसमें भूमिका निभाई आपके? जी परिवार ने ही भूमिका निभाई, परिवार तो मतलब एक सदमे में चला गया था एक टाइप से, क्योंकि घर में मैं ही एक लड़का था और मेरी बड़ी सिस्टर है, और मम्मी तो ऐसे मतलब पापा क्योंकि दिहाड़ी करते थे उस टाइम, इलाज कराने के पैसे नहीं थे कि हम अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवा सकें, बट फिर भी घर वालों ने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में होशियारपुर में इलाज करवाया था। तो बहुत वो मतलब घर वालों के लिए उस सदमे से निकलना बहुत ही मुश्किल काम था, फिर भी जब मैं स्पोर्ट्स में जाने लगा उसके बाद फिर घर वाले मना करते थे, नहीं नहीं तू मत जा, अभी तू थोड़ा और रिकवर हो ले, थोड़ा और रुक जा, हम तेरे को खिलाएंगे, तू टेंशन मत ले, पूरी दुनिया घूमेगा तू, उस टाइम ऐसा बोलते थे। तो बचपन से ऐसा बोलते थे, कहीं भी मैं जाने के लिए बोलता था कि नहीं मुझे इसकी शादी में जाना, बारात में मना कर देते, नहीं तू घर रहेगा, खाना खा के आ जाओ, घर पे आ जाती था। तो बोलेंगे बाद में पूरी उम्र बड़ी है तेरे पास, तू पूरी दुनिया घूमेगा, पूरी दुनिया घूमेगा। तो वो बचपन से सुनते सुनते पूरी दुनिया घूमेगा, तो उस टाइम अच्छा नहीं लगता था सुनना कि पूरी दुनिया कहाँ घूमेगा, अब इधर तो जाने नहीं दे रहे है ना। तो बाद वो बोलते हैं कि सियाने का बोला और आंबले का खाया बाद में पता चलता है, तो वो बातें थी जी। घर वाले ने वो उस टाइम अच्छा कंट्रोल रखा मेरे पर, अच्छे से परवरिश की और खेल को सही टाइम पर खेलने दिया है ना जी। तो अभी उसका अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। एक लास्ट सवाल की, बहुत जैसे लोग हैं जिनके साथ आपकी जैसी घटना घटती है, तो उनको मोटिवेट करने के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे कि जिससे वो हार ना माने और आपकी तरह जिंदगी में आगे बढ़े और देश के लिए नाम रोशन करे, देश के लिए मेडल जीते? जी देखिए मैं यही बोलूंगा कि हर कोई, बहुत सारे लोग जो फिजिकल है, हाथ से फिजिकल है ना, पैर नहीं है कहीं का, कहीं का कुछ नहीं है, तो ये सब लाइफ का एक हिस्सा है, तो मतलब भगवान ने ये लिखा है, तो इसमें पीछे ना हटे, दिमाग से फिजिकल ना बने आप, बस मेंटल आप स्ट्रॉन्ग है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, दुनिया जीत सकते हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट रहे यार,
तो हम क्या चीज है, तो कुछ भी हो सकता है ना। बस माइंड से मत हारो, बस दिल से और हार्ड वर्क करते रहो, जिस भी फील्ड में आप, स्पोर्ट्स में है, एजुकेशन में है। ठीक है सर, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ऑल द बेस्ट आपको पेरिस ओलंपिक के लिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। उम्मीद करेंगे कि पिछले बार की सिल्वर को इस बार गोल्ड में तब्दील करें और देश का नाम रोशन करें, तिरंगा लहराएं। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू।